वेलकम फ्रेंड्स, निखिल है मेरे साथ में। निखिल उम्र क्या तुम्हारी? 24 साल? 30 ये 24 का ही लगता है। और निखिल मेरे पास 6-8 महीने बाद दोबारा आया। पहले किस चीज के लिए आए थे आप? बैक पेन के लिए। और अब ये मेरे पास में आया एसी जॉइंट स्ट्रेन। एसी जॉइंट, ये जो कॉलर बोन यहाँ से जाती है, ये जैसे ही शोल्डर जॉइंट के साथ जहाँ पे जॉइंट बनाती है, सब जानते हैं यहाँ पे ये टाइट सा प्रोट्रूजन होता है बोन का, जिसको हम एसी जॉइंट बोलते हैं। एसी जॉइंट हमेशा शोल्डर की एक्सरसाइज से, रैकेट गेम से, खेलने से उसमें स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेन का मतलब ही सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है ना, या स्ट्रेन भी बोल सकते हैं जहाँ पे आपके लिगामेंट्स या टेंडन में इंजरी होती है। तो ये इसी प्रॉब्लम के साथ आया है। इसने एक्सरसाइज रिसेंटली चालू की थी, पेन है, हमने इसको 5-7 दिन के लिए बोला है कि इन्फ्लेमेशन है, कम हो जाएगी, आइस बताना भूल गया, आइसिंग भी करनी है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर लेजर, अल्ट्रासाउंड और बैक में, अपर बैक में कपिंग की है ताकि इन्फ्लेमेशन कम कर सकूं। और मैं आपको जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाऊंगा और इससे फिर पूछेंगे कैसा लगता है। बहुत टाइट है यार, खुली है पर लाउड आवाज नहीं आई है। ये तू और नहीं फील कर पाएंगे इस वीडियो में। इजी, हाँ बहुत टाइट है। एक्सटेंड कर दे, एक्सटेंड कर लेंगे नीचे वाला कैसे था। बैक की भी बहुत टाइट है। बैठेंगे, शोल्डर करता हूँ इसको, इस पे लो, क्रॉस कर दो, इजी करो, डियर छोड़ो, इजी, फर्स्ट क्लास ये है। ये तो इसमें करो, कौन पार्ट है? चुन दो ना। और कैसा लग रहा है? दो वर्ड्स क्लास बैठे उसके लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस। सो ट्राई एंड ओपन अप योर बैक, बैक टाइट है उसकी वजह से इसी जॉइंट पे आ रहे हैं। और रोज आके अपना ट्रीटमेंट कराओ ताकि इन्फ्लेमेशन जल्दी से खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।